सो गाइस वन प्लस के डिवाइस में यहाँ पे 5 न्यू अपडेट आया है, उसी अपडेट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जैसे कि आपको मालूम है कि ओपन बीटा 1 करके 2 करके एंड स्टेबल अपडेट करके काफी सारे डिवाइस में यहाँ पे अपडेट जो है रिलीज किया गया है। सो यहाँ पे अभी अभी मेरे पास यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आ चुका है कि किस किस डिवाइस में न्यू अपडेट आया है। सो यहाँ पे बात करने वाले हैं 5 न्यू अपडेट के बारे में जो कि आपके डिवाइस में देखने को मिलेगा। ओके, हो सकता है कि कुछ टाइम ले सकता है क्योंकि जो है अभी ये अपडेट को रिलीज किया गया है, कुछ डिवाइस में मिल सकता है अभी देखने को या फिर कुछ डिवाइस को बाद में देखने को मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं कि कौन सा अपडेट है, क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा एंड कौन सा मॉडल है। फर्स्ट अपडेट यहाँ पे बात करेंगे स्टेबल अपडेट का, ऑक्सीजन ओएस 14 वर्सन जो है उसी का यहाँ पे स्टेबल अपडेट रिलीज कर दिया गया है। ये किसके लिए है? वन प्लस पेड के लिए। वन प्लस पेड अगर आपके पास है, आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आपको ऑक्सीजन ओएस 14 वर्सन जो बीटा पे आपको देखने को मिलेगा, मिला था पहले, लेकिन उसी का अभी स्टेबल अपडेट जो है वो आ चुका है। ओके, सो यहाँ पे चेंजेस का बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे चेंजेस आपको अपने वन प्लस स्पेड में जो है देखने को मिलेगा, यानी जो वन प्लस का डिवाइस जो है उसमें आपको यहाँ पे इंक्रीज किया गया है परफॉर्मेंस को, सिक्योरिटी सिस्टम को इम्प्रूवमेंट किया गया है एंड उसके साथ काफी सारे फीचर्स आपको न्यू देखने को मिलेगा वन प्लस पेड पे। ओके, सो आपको सेटिंग पे आना है, अबाउट पे आना है, वहां से आपको इंस्टॉल कर लेना है अगर आपको देखने को मिल रहा है तो। अगर आपको देखने को नहीं मिल रहा है सो आपको वेट करना होगा क्योंकि ये न्यू अपडेट आया है हर एक डिवाइस के लिए, अभी एक्टिवेट जैसे ही आ जाता है कोई भी अपडेट सडनली नहीं देता है, कुछ टाइम तो लगता ही है। सो वन प्लस पेड के लिए ये स्टेबल अपडेट जो है ऑक्सीजन ओएस 14 वर्जन देखने को मिल जाएगा। सेकेंड अपडेट का बात करें, सेकेंड अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस 13.1, ऑक्सीजन ओएस 13.1 वन प्लस 9RT के लिए। यहाँ पे 9RT डिवाइस है, इसमें आपको दो अपडेट देखने को मिलेगा, एक तो है ऑक्सीजन ओएस 13.1 वर्जन, इसमें आपको देखने को मिलेगा एंड इसका बात करें तो सिक्योरिटी सिस्टम को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया है, एक ये अपडेट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यही डिवाइस में एक और आपको अपडेट जो है देखने को मिलेगा, वो अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीजन ओएस 14 ओपन बीटा 2 करके। ओके, 9RT अगर आपके पास है वन प्लस का, सो उसमें आपको दो अपडेट जो है देखने को मिलेगा, एक तो ऑक्सीजन ओएस 13.1 वर्जन एंड दूसरा आपको अपडेट देखने को मिलेगा ऑक्सीजन ओएस 14 ओपन बीटा 1 करके। अगर इस अपडेट का यहाँ पे चेंजेस का बात करें तो यहाँ पे आपको फोन का सिस्टम जो है उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है और तो और यहाँ पे कैमरा से रिलेटेड इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ओके, काफी सारे जो है लोग कमेंट कर रहे थे कि कैमरा से रिलेटेड जो है चेंजेस यहाँ पे न्यू ओपन बीटा 1 जो है देखने को नहीं मिल रहा है। सो आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, जैसे कि कोई भी अपडेट आता है, ओपन बीटा 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, वो सब में आपको देखने को मिलेगा चेंजेस। अगर 1 पे नहीं रहा कैमरा का चेंजेस सो 2 पे देखने को मिलेगा, 2 पे नहीं रहा तो स्टेबल अपडेट में देखने को मिलेगा। सो जैसे कि यहाँ पे ओपन बीटा 2 जो आया है, यहाँ पे आपको कैमरा से रिलेटेड आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, जो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था कलर से रिलेटेड, उस चीज को यहाँ पे हटाया गया है और काफी सारे एप्लीकेशन जो यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा था उस चीज को यहाँ पे फिक्स किया गया है। ओके, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे वन प्लस 9RT के लिए दो अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिलेगा, दोनों अपडेट अगर आपको देखने को मिल रहा है इंस्टॉल जरूर कर लेना है। एक बात क्लियर कर लो, दोनों अपडेट एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आगे पीछे डेज का हो सकता है। ओके, कुछ लोगों का यहाँ पे देखने को मिल जाए ओपन बीटा 1 वर्जन जो आया है, यहाँ पे ओपन बीटा 2 वर्जन जो आया है वन प्लस 14 का, वो देखने को मिल सकता है एंड दूसरा है ऑक्सीजन ओएस 13.1 वर्जन जो है वो अपडेट आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट का बात करें, नेक्स्ट अपडेट है ऑक्सीजन ओएस C.28 करके, ऑक्सीजन ओएस 13 C.28 करके देखने को मिलेगा। ये है वन प्लस नोट N200, ये N200 अगर आपके पास डिवाइस है, मॉडल है, उसमें आपको ये न्यू अपडेट जो है देखने को मिलेगा। इसका जो चेंजेस का बात करें तो सिक्योरिटी सिस्टम को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया है, यह भी अपडेट अगर आपको फोन पे देखने को मिल रहा है तो अपडेट आपको जरूर कर लेना है। नेक्स्ट अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑक्सीजन ओएस 14 ओपन बीटा 2 करके। ये डिवाइस का बात करें तो वन प्लस 9 एंड दूसरा है वन प्लस 9 प्रो के लिए, ये दोनों डिवाइस में आपको न्यू अपडेट जो है ओपन बीटा 2 जो है देखने को मिलेगा, एक साथ यहाँ पे ये दोनों डिवाइस में अपडेट आया है। अगर यहाँ पे न्यू अपडेट का बात करें तो वन प्लस का सीरीज में कुछ ज्यादा ही यहाँ पे न्यू अपडेट दे दिया है। सो ये आपको ओपन बीटा 2 करके जो देखने को मिलेगा ऑक्सीजन ओएस 14 का, ये है वन प्लस 9 एंड 9
प्रो के लिए। सो यहाँ पे अगर चेंजेस का बात करें, इसमें भी काफी सारे चेंजेस, सिस्टम सिक्योरिटी को यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया गया है, कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन एंड कैमरा से रिलेटेड चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड एक्स ऐप से रिलेटेड जो एप्स में आपको प्रॉब्लम आ रहा था। ओके, सो ये सब चेंजेस आपको अपने वन प्लस नाइन पे देखने को मिलेगा। नाइन सीरीज में कुछ ज्यादा अभी अपडेट आया है। उसके बाद जो है नोट, जो है नोट के लिए भी बहुत ही जल्द फास्ट अपडेट आने वाला है। अगर बात करें इस डिवाइस का, इस डिवाइस में ओपन बीटा 1 अभी तक आया है। ओके, जो न्यू अपडेट मैं आपको एक बताया था सिक्योरिटी का, काफी ज्यादा लोगों को मिल चुका है एंड काफी ज्यादा लोगों को अभी तक नहीं मिला है, वेटिंग पे है। सो बहुत जल्द इस डिवाइस में भी आपको जो है अपडेट, न्यू अपडेट जो है देखने को मिलेगा। कुछ लोग ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि स्टेबल अपडेट जो है इस डिवाइस में कब तक आएगा। देखो, स्टेबल अपडेट आपको तभी मिलेगा जब तक यहाँ पे बीटा वर्जन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर जब तक यहाँ पे बीटा वर्जन कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आपको स्टेबल अपडेट जो है किसी भी डिवाइस में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बीटा में पहले ये देखता है कि इस डिवाइस में अगर मैं अपडेट देता हूँ तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को पड़ सकता है हमारे यूजर्स को, उसके हिसाब से वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, उसके बाद ही स्टेबल अपडेट जो है देता है। सो गाइस, वन प्लस से रिलेटेड ये वीडियो में जो अपडेट आया था आपको ये सब मॉडल पे देखने को मिलेगा जो कि मैंने आपको बता दिया। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, क्योंकि आपको हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन इसी चैनल पे आपको मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले हर एक अपडेट एंड फोन से रिलेटेड जो भी यहाँ पे अपडेट आता है, जो भी न्यूज आ रहा है, सारा कुछ मैं आपसे शेयर करता हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लेना और अपने दूसरे के साथ शेयर जरूर कर लेना, जिसके पास भी वन प्लस का डिवाइस हो या फिर जो भी स्मार्टफोन यूज कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट यहाँ पे आके प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट कर सकता है।